A very warm welcome to all of you in your personal health show, Fit Rhe India. दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि if wealth is lost, nothing is lost. But if health is lost, then everything is lost. और ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि पैसा अगर चला गया तो आप फिर बना लेंगे, लेकिन अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो वो उसे रीगेन करना बहुत मुश्किल होगा. अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हम इतने बिजी हैं, हमारा शेड्यूल इतना टाइट है कि हम एक्सरसाइज के लिए या अच्छी डाइट के लिए समय नहीं दे पाते. इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे योगा एक्सपर्ट आचार्य वरुण जी. तो चलिए बात करते हैं आचार्य वरुण जी से. आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में. आचार्य जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, तो क्या योगा में भी कुछ ऐसे आसन या क्रिया हैं कि जो हम अपनी बिजी शेड्यूल में उन्हें फिट कर सकें? हाँ बिल्कुल पूनम जी, ऐसे काफ़ी सारे योग आसन भी हैं और क्रियाएं भी हैं. उसमें से कुछ मुख्य हैं जो मैं अभी आपको बताएंगे हम आपको. उसमें सूर्य नमस्कार है और एक भस्त्रिका प्राणायाम है, जिसको हम 5 से 10 मिनट या 15 मिनट डेली अपने टाइम को अगर निकाल करके उसको करने की कोशिश करें तो हम अपने आप को फिट रख सकते हैं. सूर्य नमस्कार, जैसे नाम से ही हम समझ सकते हैं कि सुबह का आसन है या योगा हम यूजुअली सुबह के टाइम करते हैं, लेकिन जैसे लोग कंप्लेन करते हैं कि बच्चों का स्कूल होता है, ऑफिस के लिए हमें दौड़ना होता है, तो हम सुबह टाइम नहीं दे पाते, तो इस क्रिया को, इस आसन को क्या हम इवनिंग में शाम के समय भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल पूनम जी, इसको हम शाम को भी कर सकते हैं. शाम को किसी ने मना तो नहीं किया कि हम सूर्य को नमस्कार ना करें. इसमें 5 या 6 आसनों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो पूरी बॉडी को, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल भी करता है, उसको लचीला भी बनाता है हमारी स्पाइन को, और हमें तंदुरुस्त भी रखता है. जैसे कि आपने बताया कि ये जो क्रिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, पर मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या सब लोग इसे कर सकते हैं या कुछ ऐसे इनके रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं इस आसन के कि किन लोगों को नहीं करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए कि खा के करना चाहिए, वो भी हमें विस्तार से बताइए. एक तो योग में पूनम जी बताया है कुछ हमें सावधानियां रखनी होती हैं, योग कैसे स्थान पर करना है, कब करना है, कुछ पाबंदियां होती हैं उसमें. तो इसमें मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि सबसे पहले तो एक खुला वातावरण होना चाहिए, खुला स्पेस होना चाहिए. दूसरा, भोजन करने के 3 से 4 घंटे के बाद इसको हमें करना चाहिए, जिससे हमारा पेट खाली हो और हम अच्छे से हर मूवमेंट अच्छे से कर पाएँ. हाँ पूनम जी, योग में हमें कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं कि एक तो खाली पेट होना काफ़ी जो है ज़रूरी है इसमें, और साथ ही साथ में एक वातावरण भी, एक ऐसा कमरा हो, ऐसा स्पेस हो जहाँ पर खुला और हवादार हो, जैसे घरों की बालकनियाँ हो सकती हैं. हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल हम ये सब कर सकते हैं आराम से. और सूर्य नमस्कार में एक ध्यान रखना है, जैसे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा इसको अवॉइड करना है. और अब हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि कैसे सूर्य नमस्कार और एक मैंने कहा है भस्त्रिका प्राणायाम, ये कैसे होता है और इसको कैसे करना है, इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. तो चलिए आचार्य जी, देर किस बात की, करके दिखाते हैं. एक बार फिर से मित्रों, पहले एपिसोड में हमने आपको बताया कि कैसे योग आसन करने से पहले हमें कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करनी है. सूक्ष्म क्रियाओं से हमारा शरीर वार्म अप हो जाता है. तो अभी हम सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएं आप लोगों को दिखाएंगे. सबसे पहले गर्दन के लिए, गर्दन को लेफ्ट और राइट हमें घुमाना है. लेफ्ट राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, रिलैक्स. अब सामने और पीछे की तरफ 1, 2,
थ्री फोर फाइव सिक्स रिलैक्स। अब दोनों कंधों को सामने से पीछे की तरफ घुमाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब इसके अपोजिट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सामने कर लीजिएगा और थंब को एक बार अंदर की तरफ करना, एक बार बाहर की तरफ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स। अब दोनों मुट्ठियाँ बंद रखिएगा और इसको रोटेट कीजिएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऑपोजिट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स। अब हम आपको सूर्य नमस्कार करके दिखाएंगे। चलिए खड़े होंगे, पोजीशन लीजिएगा। सबसे पहले नमस्ते मुद्रा, वन टू। यह पोज हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है। थ्री, इस पोज से हमारे पैरों की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है। फोर, राइट लेग को पीछे कीजिएगा। यह पोज हमारे सीने को मजबूत बनाता है और हमारे लंग्स को मजबूत बनाता है। फाइव, इस पोज से हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियों का व्यायाम होता है। सिक्स, नीज को टच कीजिएगा पहले और चिन को टच कीजिएगा। पूरे शरीर के बैलेंस को बनाता है। सेवन, हमारी कमर को लचीला बनाता है, हमारे शोल्डर को मजबूत बनाता है और हमारे सीने को भी मजबूत बनाता है। एट, इसका फायदा अभी हमने बताया है पहले ही। नाइन, राइट लेग को ही सामने कीजिएगा। हमारे पैरों की मसल्स की अच्छे से एक्सरसाइज करता है। टेन, इलेवन, ट्वेल्व। अब ठीक ऐसे ही हमें दूसरे पैर से करना है। अभी हमने राइट लेग से किया, अब इसी को दोबारा हम लेफ्ट लेग से करेंगे। टू, श्वास को अंदर लेना है। थ्री, श्वास को निकाल दीजिएगा। फोर, लेफ्ट लेग को पीछे कीजिएगा और श्वास को अंदर लेना है। जिस भी पोज में गर्दन ऊपर होगी उसमें हमेशा श्वास को अंदर लेना है, जिस पोज में गर्दन नीचे होगी उसमें श्वास को बाहर छोड़ना है। फाइव, सिक्स, नीज को टच कीजिएगा, चिन को टच कीजिएगा। सेवन, एट, लेफ्ट लेग को सामने कीजिए। नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। तो मित्रों, यह था सूर्य नमस्कार। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक क्रिया दिखाएंगे, प्राणायाम की क्रिया। पहले एपिसोड में भी हमने बताया था भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में, उसी का एक और अलग से तरीका है जिसको हम
खड़े होकर के कर सकते हैं और पूरे शरीर की, हमारे लंग्स की, हमारे आर्म्स की अच्छे से एक्सरसाइज होती है। अब दोनों हाथों को ऊपर करना है और सांस को अंदर लेना है। दोनों हाथों को ऊपर कीजिएगा, इनहेल करके सांस अंदर लीजिएगा और दोनों मुट्ठियां बंद करते हुए अपने शोल्डर के पास में लेके आइएगा और सांस को बाहर निकाल देना है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। तो मित्रों, यह था भस्त्रिका प्राणायाम। इसको आप 20 से 40 बार, 50 बार इसको कर सकते हैं, धीरे धीरे से श्वास के साथ। जितना हम लोग श्वास के साथ इसको करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की एक्सरसाइज अच्छे से होगी। तो मित्रों, अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे सूर्य नमस्कार को करना है और कैसे भस्त्रिका प्राणायाम को करना है। इन दोनों एक्सरसाइज को अगर हम अपने रूटीन में रखते हैं तो हम अपने आप को अच्छे से फिट रख सकते हैं इस भागदौड़ जीवन में। तो दोस्तों, अब हम आपको एक आसन और दिखाते हैं जिसका नाम है वृक्षासन। वृक्षासन हमारे मानसिक तनाव को दूर करता है और हमारे बॉडी के बैलेंस को अच्छे से बनाता है। तो अब हम करेंगे वृक्षासन। राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रखिएगा। अब दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाइएगा नमस्ते मुद्रा में। अब होल्ड कीजिएगा 10-20 सेकेंड, इसको हम होल्ड कर सकते हैं। अब धीरे धीरे से दोनों हाथों को वापस लेकर के आइएगा नीचे और पैर को नीचे उतार लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार हमें यह लेफ्ट लेग से करना है। लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रखिएगा। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। और सामने एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करना है ऐसे। अब धीरे धीरे से दोनों हाथों को वापस लेकर के आइएगा और पैर को नीचे उतार लीजिए। तो दोस्तों, यह था वृक्षासन। इससे पहले हमने दिखाया भस्त्रिका प्राणायाम और सूर्य नमस्कार। यह 3, 2 आसन और 1 प्राणायाम, 3 एक्सरसाइज का एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम प्रतिदिन अगर अपने जीवन में धारण करते हैं, उसको करते हैं प्रतिदिन 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, तो हम अपने आप को, माइंड और बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि आचार्य वरुण जी ने हमें कितने आसान और सरल योगा आसन बताए जिन्हें हम अपने जीवन में, चाहे फास्ट लाइफ हो तब भी, आराम से अपना सकते हैं और अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। इसी विषय पे आगे बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर वानी। डॉक्टर वानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। थैंक यू पूनम। डॉक्टर वानी, आज हम बात कर रहे हैं फास्ट लाइफ की, कि कैसे फास्ट लाइफ ने हम लोगों को इतना फास्ट कर दिया है कि हमें एक अच्छी डाइट के लिए, एक हेल्दी फूड के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। कई बार हमने देखा है कि जो बच्चे घर से बाहर रहते हैं या जो वर्किंग लोग हैं, वो मील्स भी स्किप करने लगे हैं। ना तो ब्रेकफास्ट टाइम पे हो पाता है, ना ही लंच हम टाइम पे कर पाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? डेफिनेटली होते हैं, क्यों नहीं होते। एक्चुअली ये जो फास्ट लाइफ है, इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमें ध्यान देने वाली बात है कि हम सब कुछ याद रखते हैं, खाना खाना याद नहीं रखते, वो सब साइडलाइन हो जाता है। तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, और ब्रेकफास्ट का मतलब है ब्रेकिंग योर फास्ट, बिकॉज हम पूरी रात फास्ट कर रहे होते हैं। एंड उस टाइम हम जल्दीबाजी में भाग जाते हैं, कुछ खाते नहीं हैं। एंड मिडवे थ्रू द डे फिर हमारे एनर्जी लेवल्स डिप होने शुरू होते हैं। फिर उस टाइम हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, पर भूख तो लगेगी ही, क्योंकि बॉडी को तो फंक्शन करना है। तो उस टाइम जो भी अवेलेबल होगा हम उसे उठाएंगे, ग्रैब करेंगे, खाएंगे। इट कुड बी अ कप ऑफ कॉफ़ी, इट कुड बी अ बर्गर, इट कुड बी चिप्स और समोसाज, एंड ऑल दीज फूड्स आर हार्मफुल। कि हमारे ये कैलोरीज तो प्रोवाइड कर देते हैं, हंगर सेटिस्फाई हो जाता है, पर ये न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलते। एंड
जैसा कि हमने पहले भी बात करी है कि हमारे लिए बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी है, तो जब हम मील स्किप कर रहे हैं और कुछ भी अवेलेबल है वो खा रहे हैं, वो बैलेंस्ड डाइट नहीं होगी जी। वो हाई इन कैलोरी होगी, हाई इन फैट होगी, तो जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे जैसे प्रोटीन्स, विटामिंस, मिनरल्स, वो सब मिस हो जाते हैं, तो ये बहुत हार्मफुल है। उससे क्या होगा कि अगर हम कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं तो ओबेसिटी बढ़ जाती है, हम वेट गेन करना शुरू करते हैं, वेट गेन होने से और भी आगे ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं जो वेट से ही स्टार्ट होती हैं। और ये इम्बैलेंस डाइट जो हम मील स्किपिंग से शुरू करते हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, सिर्फ एक ब्रेकफास्ट नहीं खाया, बहुत छोटी सी चीज़ है, पर वो आगे बढ़ के एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन ले लेती है। डॉक्टर बानी, ये तो आपने हमें बताया कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं मील्स अगर हम स्किप करते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा पावर फूड है या कोई ऐसा पावर फ्रूट आप कह लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम ब्रेकफास्ट में खा लें तो उससे हमारा, अगर लंच भी हमारा लेट होता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ऑफिसेज़ हैं या कॉरपोरेट हाउसेज़ हैं, उसमें क्या होता है प्रेशर इतना ज़्यादा, मीटिंग्स पड़ गई तो फिर आप लंच जो है आपका पीछे खिंच गया, आप 4 बजे लंच कर रहे हैं, 5 बजे लंच कर रहे हैं, लंच का कोई टाइम नहीं रह गया, तो ऐसा कोई ब्रेकफास्ट हो जिसे खा के हम लोग देर तक भी अगर ना खाएं तो वो जो उसकी सप्लाई है वो हमें मिलती रहे। हाँ, पावर फूड का मतलब सिंपल डेफिनेशन अगर ले लें तो पावर फूड वो है जो हमें पावर दे, एंड हमारी बॉडी को फ्यूल चाहिए काम करने के लिए, right. तो इट्स लाइक अ मशीन, सो फ्यूल कहाँ से मिलेगा, जब हम राइट खाना खाएंगे। तो पावर फूड इज दैट फूड विच इज़ गोइंग टू गिव अस इंस्टेंट एनर्जी। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बनानास ले लें, हमारे पास टाइम नहीं है तो हम बनाना लें, और अगर हम 2 बनानास भी खा लें वो भी एक पावर फूड हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा और टाइम है, थोड़ा टाइम निकालें तो बनाना शेक बना लें, बनाना शेक नहीं पीना चाहते तो स्मूदी बना लें। स्मूदी मीन्स कर्ड में आप बनाना को ब्लेंड करें, खा लें, उसके अंदर ओट्स डाल दें, थोड़े से नट्स डाल दें, वही पावर फूड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्लेन दलिया ले लें, ठीक है, उस दलिया में ही अगर आप थोड़े स्प्राउट्स डाल दें, सोयाबीन नगेट्स डाल दें, हाँ जी, वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बिल्कुल खूब वेजिटेबल्स डाल दें साथ में, तो वो एक सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन बन के एक बहुत अच्छा पावर फूड बन जाता है, हमें कुछ एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत ही नहीं है। स्प्राउट्स एक मैं यहाँ बोलना जरूर चाहूँगी कि स्प्राउट्स आर वेरी गुड बिकॉज दे विल हेल्प यू सस्टेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये हमें हमारा हंगर कंट्रोल करती हैं, और क्योंकि ये फाइबर रिच होती हैं इसलिए हमें उन्हें खाने से भूख जल्दी नहीं लगती, एंड दे आर वेरी हेल्दी टू ईट, सो वन कैन ईजिली स्प्राउट घर पे आप पल्स को भिगोइए ओवरनाइट और 1-1.5 दिन के बाद स्प्राउट्स हो जाते हैं। वी डोंट इवन हैव टू परचेज इट फ्रॉम द मार्केट, स्प्राउट कीजिए और खाइए। ये तो आपने बात की ब्रेकफास्ट के बारे में, तो क्या लंच के लिए भी हमारे पास कोई ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम अपने टिफिन में ले जाएं और उन्हें अगर हम खा लें टाइम टाइम से? कई बार होता है कि हमें क्विक स्नैक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑफिसेज में लोग क्या करते हैं, चाय के साथ समोसाज ले लेते हैं, जंक फूड उठा लेते हैं, तो उस टाइम के लिए जो वो स्नैक्स टाइम होता है, तो उसके लिए भी हम कोई ऐसा हेल्दी ऑप्शन है हमारे पास जो हम लोग अपनी लाइफ में अगर ले आएँ तो हम उस प्रॉब्लम से, उन बीमारियों से बच पाएंगे? देखो, हेल्दी ऑप्शंस तो अपने पास अगर रख लें तो बड़े इजी इसके उपाय हैं। सपोजिंग अगर आप अपने ऑफिस में ही एक शेल्फ पे एक भुने हुए चने का एक जार रख लें, एंड द मोमेंट यू फील हंग्री, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फॉर अ समोसा या उठने से एक कॉफ़ी जो कि सिर्फ आपको चीनी दे रही है, थोड़ा बूस्ट अप कर देती है कि एनर्जी मिल गई, इससे अच्छा अगर आप अपने साथ एक नींबू पानी बनाकर ले जाएँ, अपने पास रखें, भुने हुए चने खा लें, कुछ नट्स रख लें, आमंड्स रख लें, तो ये मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शंस होंगे, वरना ये सब फ्राइड फूड्स हैं, इससे हमें सिर्फ फैट मिलता है, कैलोरीज मिलती हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये फ्राइड फूड्स हमें ट्रांस फैट देते हैं। ट्रांस फैट्स आर फैट्स विच आर वेरी हार्मफुल स्पेशली फॉर द हार्ट, और ये सब हमें ये प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, नमकीन, भुजिया, फ्राइड फूड्स, इन सब से मिलता है, तो ये सब हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जी डॉक्टर भानी, हमने देखा है आजकल मार्केट में जो है काफ़ी पैक्ड फूड्स आ गए हैं, मतलब अगर हम कहें कि पैकेट के रेडीमेड फूड्स जो आ गए हैं जिनमें खूब ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, पर वो बहुत कन्वीनियंट होते हैं लोगों के लिए कि आपने पैकेट खोला, गेस्ट आए हैं, फटाफट फ्राई किया और आपने जो है प्रेजेंट कर दिया, या बच्चों के टिफ़िन के लिए भी आजकल मदर्स जो हैं उसको बहुत कन्वीनियंट समझ रही हैं कि डाल के बस फ्राई किया, फटाफट टिफ़िन में दे दिया, तो आपने उनको, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं या किस हद तक हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो लाइफ कहीं ना कहीं भागदौड़ वाली लाइफ को इजी बना देते हैं। डेफिनेटली, एंड दैट इज व्हाई दीज फूड्स आर आल्सो कॉल्ड कन्वीनियंस फूड्स, राइट, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस। अब ये फास्ट लाइफ है, टाइम की शॉर्टेज है, वर्किंग मदर्स हैं, तो ये कन्वीनियंस जरूर प्रोवाइड करती हैं, एंड टू सम एक्सटेंट दे आर नॉट हार्मफुल,
कुछ एक्सटेंट तक हम यूज़ कर भी सकते हैं, पर इनका रेगुलर यूजेज मैं नहीं एडवाइस करूँगी, क्योंकि इन सब में प्रिजर्वेटिव्स तो होते ही हैं. सो द यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इज़ रियली नॉट वेरी एडवाइजेबल. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर हम फ्रेश फूड ऑप्शंस रखें अपने लिए वो बेटर रहेंगे, पर येस वी कैन यूज़ देम ओकेजनली, देर इज़ नो हार्म इन यूजिंग देम ओकेजनली. डॉक्टर बानी, हमने बात की ब्रेकफास्ट की, हमने बात की लंच की, और हमने बात की स्नैक्स की, लेकिन हम डिनर को भी बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं. डिनर कई बार होता है कि जिनकी लेट नाइट शिफ्ट्स होती है, या कहिए कि ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स भी लोग करते हैं, पूरी पूरी रात काम करना पड़ता है, तो उसमें भूख लगना बहुत कॉमन सी चीज़ है, और उसको खाना आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब रात को आप काम कर रहे हैं तो भूख तो लगेगी और कुछ खाना भी पड़ेगा. तो उसमें क्विक ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, चिप्स, हम पैकेट्स खोलते हैं एंड वी जस्ट ग्रैब इट. तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि डिनर जब लेट नाइट शिफ्ट्स हैं तो उनके लिए भी हम क्या ऑप्शंस रख सकते हैं, और जो ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स हैं, जो पूरी रात जागते हैं, उनके लिए भी क्या ऑप्शंस हैं? सी, देखिए, डिनर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर डेज मील. सो द डिनर हैज़ टू बी कंज्यूम्ड एट द राइट टाइम. राइट, ठीक है. अब आप इरिस्पेक्टिव आप घर पे आ गए हैं या आप ग्रेवयार्ड शिफ्ट में काम कर रहे हैं, डिनर को तो राइट टाइम पे खाना ही पड़ेगा. इन केस और डिनर में एक चीज़ ये ज़रूरी है कि डिनर को लाइट रखना चाहिए जी. डिनर बिकॉज आफ्टर दैट वी आर स्लीपिंग, तो बॉडी नीड्स टाइम टू डाइजेस्ट. और हमारे साथ क्या हो रहा है इन दिस फास्ट लाइफ, हमारा डिनर यूजुअली द हैवीएस्ट मील बन जाता है. राइट राइट. होता ये कि लाइक पेरेंट्स आर वर्किंग, चिल्ड्रन आर गोइंग टू आइदर टू स्कूल और टू कॉलेज टू स्टडी, तो डिनर इज़ वन मील वेयर द फैमिली मीट्स. So usually what they do is, what happens is that the dinner is the heaviest meal, और उसके बाद हम लोग कोई activity नहीं करते, dinner खाते हैं और सो जाते हैं. So this has also resulted in a lot of problems like weight gain and acidity and heartburn. Right. So therefore it is important कि हम dinner थोड़ा जल्दी खा लें, उसको light रखें. That is one. Secondly, आपने पूछा कि जो graveyard shifts कर रहे हैं, जो late night काम करते हैं, उनके लिए भी मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि वो डिनर तो एटलीस्ट टाइम पे खा लें, क्योंकि रात भर में खाना इज़ नॉट नॉर्मल फॉर आर बॉडी. इनफैक्ट वर्किंग इन द नाइट और कीपिंग योरसेल्फ अवेक इन द नाइट, वो भी इज़ नॉट नॉर्मल फॉर आर बॉडी, वो भी ठीक नहीं है. पर अगर उनको भूख लग रही है काम करते करते, तो वही हेल्दी ऑप्शंस जो हमने पहले बात करी है वही अपने पास रखें, बिकॉज ये चिप्स खाना और कोल्ड ड्रिंक ले लेना और या कॉफ़ी ले लेना अपने आप को जगाने के लिए, ये बिल्कुल हार्मफुल है. और ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं, ये सब हिडन सोर्सेज ऑफ शुगर कहलाते हैं जी. क्योंकि एक अगर कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक अगर हम लें तो उसी में 7-8 चम्मच चीनी आ जाता है. सो विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू एड अप टू योर कैलोरी कंटेंट फॉर द होल डे, एंड दीज आर ऑल हार्मफुल कैलोरीज. वी कॉल देम जीरो कैलोरीज बिकॉज दीज आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट कैलोरीज. राइट राइट. सो दीज फूड्स आर हार्मफुल, दे विल बी डेट्रीमेंटल. धीरे धीरे ये एड ऑन करेंगे आपके वेट को और ये बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. डॉक्टर बानी, हमने कई बार देखा, ये मेरा खुद का एक पर्सनल क्वेश्चन भी है, कि हम क्या करते हैं जब हमें ज़्यादा टाइम के लिए काम करना होता है या ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं, तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए हम लोग कॉफ़ी और चाय बहुत ज़्यादा लेते हैं. ये कई बार देखते हैं कि हर आधे घंटे में हम लोग चाय कॉफ़ी पी ले रहे हैं. और आजकल यंगस्टर्स भी हमने देखा है मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे ड्रिंक आ रहे हैं जो एनर्जी ड्रिंक्स बोल के बिकते हैं, और लोग उनको इनटेक करते हैं कि हम ज़्यादा देर तक काम कर सकें. तो क्या वो लेना, उसे लेने से बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, या वो कितने हद तक हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं? सी, दीज सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड बेवरेजेस जो ये हम ये कहलाती हैं, ये हार्मफुल हैं. ये डेफिनेटली एनर्जी प्रोवाइड, एक एनर्जी स्पर्ट ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड दोज लो कैलोरी ड्रिंक्स. सो इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एडेड होते हैं, तो ये हार्मफुल हैं. इनका लॉन्ग रन में यूजेज बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स. टू सम एक्सटेंट समटाइम्स कभी कभी पी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने आप को अलर्ट करने के लिए पानी पी लें. समटाइम्स बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो उसमें लगता है कि थकावट महसूस होने लगती है, तो खूब सारा पानी पी लें, नींबू पानी पी लें, चीनी डाल लें, नमक डाल लें, अपना सॉल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन रखें. ये एडवाइजेबल डेफिनेटली नहीं है कि बहुत सारी कॉफ़ी लें और बहुत सारे ये एनर्जी ड्रिंक्स लेने लगें, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स.
तो दोस्तों हमने सीखा कि कैसे हम बिजी रहते हुए भी, ऑक्यूपाइड रहते हुए भी एक हेल्दी डाइट को अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। डॉक्टर बानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां हमें दी। दोस्तों अब चलते हैं आचार्य विराज के पास जो हमें देंगे एक क्विक आयुर्वेदिक टिप जिससे आप घर बैठे ही अपना इलाज कर सकते हैं। आयुर्वेद के विषय में हम जहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा किचन एक जो बहुत बड़ा अपने आप में एक आयुर्वेदिक सेंटर है उसी का सबसे पहले नंबर आता है। हमारे एथलीट भाई बहनों को अक्सर इंजरी से परेशान कहीं ना कहीं होना पड़ता है तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे अपने गार्लिक लहसुन की। लहसुन से अपना इलाज कैसे करें उसके लिए आज हम बात करेंगे। गार्लिक हमारी हड्डियों को जोड़ने वाला है। गार्लिक का प्रयोग हम एक एक कली सुबह शाम नॉर्मल पानी के साथ उसको निगल कर सकते हैं या हम अपने तड़के के अंदर उस गार्लिक का प्रयोग करके भी हम उसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ गार्लिक हमारे समस्त हृदय रोगों का नाश करता है। चाहे हम कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं, चाहे हम हृदय की अन्य किसी समस्या से परेशान हैं, जिन भाई बहनों को ये समस्या है वो भी सुबह एम्प्टी स्टमक एक कली छील करके नॉर्मल पानी के साथ उसको निगलें। ध्यान रहे उसको चबाना नहीं है, उसको केवल निगलना है। ऐसा वो एक महीना लगातार प्रयोग करें, उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, उनके हार्ट के ब्लॉकेज तक भी ठीक होंगे, किसी भी प्रकार के डॉक्टर के पास उनको जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके साथ साथ लहसुन हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। जिन भाई बहनों को अपचन की समस्या है, जिन भाई बहनों का भोजन ठीक प्रकार से पच नहीं पाता, जिनको आँव की समस्या है, वो भी अपने भोजन के अंदर गार्लिक का समावेश करके अपनी इस अपचन और मंद जठराग्नि की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को अस्थमेटिक समस्या की समस्या है वो भी अपना गार्लिक के द्वारा इसी प्रकार प्रयोग करके खाने के साथ या एक कली सुबह गुनगुने पानी के साथ निगल करके अपनी अस्थमेटिक या श्वास से संबंधित अन्य किसी समस्या का समाधान अपने किचन से कर सकते हैं। इसके साथ साथ लहसुन के द्वारा हम अपनी बुद्धि का विकास भी कर सकते हैं। जिन बच्चों का बुद्धि का विकास पूर्णतः नहीं हो पाता उन बच्चों को भी हम लहसुन का प्रयोग करा करके उनकी बुद्धि का अच्छे से भली भांति विकास हम कर सकते हैं। हमारा जो शरीर चलता है वो वात पित्त और कफ के द्वारा चलता है। वात होता है 80 प्रकार का, पित्त होता है 40 प्रकार का और कफ होता है 20 प्रकार का। तो वात के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जितने भी दर्द आते हैं वो सब वात से संबंधित होते हैं। तो लहसुन अकेला हमारे सभी 80 प्रकार के दर्दों का नाश करने में सक्षम है। जिन भाई बहनों को जॉइंट्स पेन की समस्या है, जिन एथलीट भाई बहनों को अन्य किसी प्रकार की हड्डियों की कोई समस्या है, मांस में कोई चोट लगी है, वो दर्द ठीक नहीं हो पा रहा, तो वो भी भाई बहन अपने भोजन के अंदर लहसुन का प्रयोग करके अपने दर्दों को ठीक कर सकते हैं। विशेषकर जिनकी हड्डी पहले कभी टूटी है वो ठीक नहीं हो पा रही, तो उसका 4-5 लहसुन लेकर के उसका एक पेस्ट वो बनाएं और टूटे हुए स्थान पर उसको थोड़ा गर्म करके वहाँ पर रात को पट्टी बांध करके वो सो जाएं। 5-7 दिन ऐसा वो प्रयोग अगर लगातार करेंगे उनका कितना भी पुराना दर्द है वो निश्चित रूप से उनका दर्द ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन बच्चों को, जिन बड़े बुजुर्गों को, जिन भाई बहनों को बार बार ज्वर से अर्थात फीवर से परेशानी हो रही है वो भी इस लहसुन के द्वारा अपने किसी भी प्रकार के पुराने से पुराने ज्वर को अर्थात बुखार को ठीक कर सकते हैं। उसका भी प्रयोग करने का वही तरीका रहेगा, या तो वो भोजन के अंदर अपने लहसुन की मात्रा को बढ़ा दें या मैंने जैसे पहले बताया था एक एक कली वो सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ निगल लें। ध्यान रहे उसको चबाना नहीं है, उसको हमें केवल निगलना है, तो उनका कैसा भी पुराना से पुराना ज्वर है, बुखार है, फीवर है, वो सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि हमने देख लिया है और जान लिया है कि कैसे योगा और डाइट को हम अपने बिजी शेड्यूल में भी शामिल कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। दोस्तों अब हमें दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए याद रखिए, हेल्दी लिविंग वेल्दी लिविंग। थैंक यू।